400 किलोमीटर ट्रैवल करके गया था। एग्जाम से जो बाहर निकले थे पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुका। मेरा परसों मेंस है बीपीएससी एग्जाम का। अब हम बीपीएससी मेंस का तैयारी करें कि सड़क पे जाके आंदोलन करें। वो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, एग्जाम उनकी अच्छी जाती है और बाहर आके उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। गुड गवर्नेंस के नाम पे धब्बा है। जाहिर सी बात है बीसीए का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ये जग जाहिर है कि शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थर्ड सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये कोई छुप नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है कि सरकार कहती है कि गुड गवर्नेंस हम कर रहे हैं, पर आप सोचिए कि गुड गवर्नेंस के लगभग 3 पिलर होते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के बाद आंसर की दीजिएगा तभी ट्रांसपेरेंट होगी। तो बीएससी ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। बचा अकाउंटेबिलिटी, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना अकाउंटेबल है अब जनता के प्रति, छात्र के प्रति। और दूसरा बचा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब लीक हो गया है बस आप खाली एक परीक्षा रद्द कर रहे हैं। अब हम लोग आंदोलन करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। मेरा परसों मेंस है बीपीएससी एग्ज़ाम का। अब हम बीपीएससी मेंस का तैयारी करें कि सड़क पर जाके आंदोलन करें। और ये बात सिर्फ बीएससी का नहीं है, हर एक कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, दरोगा हो, बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे फायरमैन एग्ज़ाम हो। इस बार हम दरोगा का भी एग्ज़ाम दिए थे, प्री मेंस क्वालिफाई किए। जब दौड़ का बात आया तो 25 दिन टाइम दिया गया, 3 सेकेंड से छट गए। बस इतना ही नहीं, 9:30 बजे हम इंट्री किए और 12:30 बजे मुझे दौड़ाया गया, बिना पानी के, बिना कुछ खाना पीना के दौड़े हैं। इस वजह 3 सेकेंड छट गए। फिर अभी एग्ज़ाम दिए बीपीएससी, पीटी कैंसिल हो गया। फिर से पीटी पास किए हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी वही धांधली चल रहा है। अभी बीपीएससी मेंस का तैयारी करते करते सचिवालय का भी तैयारी किए और एग्ज़ाम देख के आए हैं, 138 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। चांस है कि हो जाएगा, पर जिस तरह से धांधली चल रहा है कुछ कहना मुश्किल है। और गुड गवर्नेंस के नाम पर धब्बा है, क्योंकि गुड गवर्नेंस का जो 3 पिलर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, कुछ नहीं है। तो हम लोग आंदोलन करें कि पढ़ाई करें, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ये सरकार को समझना चाहिए। और तीनों पेपर कैंसिल हो और फिर साफ सुथरा से एग्ज़ाम लिया जाए। हम लोगों के ऊपर तो मतलब एक प्रकार से छलावा ही है। सरकार हमेशा हर पेपर कोई भी एग्ज़ाम का सही से करा नहीं पा रही है, तो स्टूडेंट पे क्या बीत रहा है वो स्टूडेंट से ज़्यादा कौन जान सकता है। अगर स्टूडेंट इतनी मेहनत लगा के पढ़ते हैं, 6-6 महीना पढ़ते हैं, साल साल भर पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी एक पेपर सरकार बढ़िया से नहीं करा पा रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मतलब अच्छे से कराए या ना कराए। हम लोगों के ऊपर तो इलेक्शन टाइमली हो जाता है, उसमें कोई धांधली नहीं होता है। हाँ, एग्ज़ाम से जो बाहर निकले थे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, पूरा वायरल हो रहा था। तो बताइए कि इस तरह से सही नहीं है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो हम लोगों का भविष्य खतरे में है। छात्रों के जीवन के साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा ग्रुप डी में इतना ज़्यादा कैंडिडेट है, सारा का परीक्षा जब ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है और बीपीएससी इतना बड़ा आयोग है या फिर बीएसएससी इतना बड़ा आयोग है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है जिसमें इतने छात्र शामिल हो रहे हैं, उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं है ऑनलाइन कंडक्ट सरकार करवाते हैं? और ऑफलाइन भी अगर करवा रहे हैं, इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? बार बार क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी कहीं में हम लोगों ने कुछ दिन पहले जैसा कि जाना, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। अभी बीएसएससी में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लोग 700-800 किलोमीटर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके सेंटर पे पहुंच रहे हैं किसी तरह से, ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है, उसके बाद ऐसा सुनने में आता है कि पेपर वायरल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के लिए कितने संघर्ष करने की बात है। ऊपर से दूसरी बात ये है कि छात्रों फाइनेंशियली भी छात्र उतने मजबूत है नहीं, वो काफ़ी दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद मेहनत करने के बाद जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम उनकी अच्छी जाती है और बाहर आके उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया, तो ये छात्रों
वो अंदर से टूट जाते हैं। और जब बिहार के जो शिक्षा मंत्री उनसे ये बात की जाती है तो वो कंपेयर दूसरे स्टेट से करते हैं, मुझे दूसरे स्टेट से पहले तो देखना नहीं, अपने स्टेट को पहले अच्छा करना है, सुधारना है। तो ये सरकार जब तक इसके ऊपर कुछ सोचेगी नहीं, कुछ अच्छा ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक कुछ ये इसमें सुधार व्यवस्था नहीं हो सकता। फिर से वही होगा, सरकार ने बोला कि 45 दिन के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम तो हर बार होता है, फर्स्ट शिफ्ट का जैसा कि कैंसिल किया गया, लेकिन फिर ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि पेपर वायरल होगा, फिर से इसी तरह होगा। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और मैं ये सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ये इसके पीछे कमेटी बैठाए और गहरे से जांच करे कि कहाँ से आखिर ये सब, मतलब कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं। क्योंकि जैसा हम लोग पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई थी, जो टॉपर्स जो निकले थे वो सब भी सब में इन्वॉल्व थे। तो मैं यही सरकार से चाहता हूँ कि वो एक कमेटी बैठाए और इसकी जाँच जो है काफ़ी अंदर से करे, ताकि जो भी इसमें शामिल है, चाहे वे बड़े अधिकारी हो, जो भी हो, उनकी छवि जो है वो बाहर आए।